कैंपा कोला सोसाइटी में कार्रवाई करने में असफल रही बीएमसी ने अब स्थानीय परिवारों के खिलाफ अदालत की अवमानना का केस दर्ज करवाया है। आपको बता दें कि पिछले दो दिन से लगातार बीएमसी अवैध फ्लैट पर कार्रवाई करने के लिए कैंपा कोला सोसाइटी जा चुकी है, लेकिन फ्लैट में रहने वाले लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश मानने को तैयार नहीं है और वो लगातार बीएमसी के अधिकारियों और कर्मचारियों का विरोध कर रहे हैं। कैंपाकोला परिसर से निवासियों को हटाने में प्रतिरोध का सामना कर रही बीएमसी ने उसे उच्चतम न्यायालय का आदेश लागू करने से रोकने वालों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इसके साथ ही बल प्रयोग के इस्तेमाल के पहले आज निवासियों को एक बार फिर अवैध फ्लैट छोड़ने के लिए समझाने का प्रयास करने का फैसला किया गया है। वर्ली पुलिस के मुताबिक बृहन मुंबई महानगर पालिका अधिकारियों ने दक्षिण मुंबई के आवासीय परिसर में घुसने के नाकाम प्रयास की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ कल शाम पुलिस कर्मियों से संपर्क किया ताकि अवैध फ्लैटों को जरूरी आपूर्ति रोकी जाए। वर्ली पुलिस थाने के एक अधिकारी ने कहा, एमसीजीएम के कल देर रात हमसे संपर्क किया और सोसाइटी के निवासियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने निवासियों द्वारा परिसर में घुसने से रोकने को लेकर अपने नाकाम प्रयास का वीडियो फुटेज भी मुहैया कराया। उन्होंने बताया कि वीडियो रिकॉर्डिंग की जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, कुलिस्तान न्यूज़।